हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग वीडियो। तो एक और ब्लॉग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये किसी का कॉपी किया हूँ। आज बनाएंगे खाना, क्योंकि खाना मैं काफ़ी दिन से बना नहीं रहा हूँ और पेट भर नहीं रहा है। बाहर खा के मज़ा नहीं आ रहा है, क्योंकि ये सब चीज़ें एक दो दिन तो अच्छा लगता है, रोज़ रोज़ नहीं अच्छा लगता। तो आज मैं ज़रूर बनाऊंगा खाना, दिखाऊंगा आपको क्या बना रहा हूँ, कैसे बना रहा हूँ। तो काफ़ी दिन से बनाया नहीं, जो आलू उलू भी रखा था वो सब सड़ गया है। आज बनाने के लिए उठा तो देखा आलू सब सड़ गया है, तभी आलू लाने जाना पड़ेगा। तो आलू लेके आएंगे, अब बनाएंगे। तो दोस्तों, मैं जा रहा हूँ सब्ज़ी लाने, और सब्ज़ी लेके आता हूँ, फिर बनाता हूँ, देखता कैसा बनता है। लेकिन आज बनाऊँगा ज़रूर खाना, क्योंकि खाना ज़रूरी है। काफ़ी मेरा तबीयत भी ख़राब हो रहा है, कि भूखे सोने से कल भी शाम को भूखे सो गया और ड्यूटी भी खाली पेट गया है, तो बहुत बेकार लग रहा था, क्योंकि काम करना पड़ता है ड्यूटी में जाके, और बिना खाए जाएंगे तो बड़ा दिक्कत होगा। अब आ गया हूँ सब्जी की दुकान। पप्पू सेठ, अब आलू कैसे है? हाँ, आलू कैसे है यार? आलू ले लिया हूँ 1 किलो, क्योंकि ज़्यादा सब्जी लेने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। पिछली बार ले गया था, सब सड़ गया था, तो इस बार ज़्यादा नहीं ले जाऊँगा। बस 1 किलो आलू ले लिया हूँ, और बैंगन है 2-3। सुबह ले गया था बैंगन, ले गया था और टमाटर ले गया था, लेकिन जब बनाने का प्लान किया तो देखा सारा आलू सड़ गया था, पहले वाला आलू था ही नहीं, तो आलू लेना ज़रूरी था। तो दोस्तों, रूम में आ गया हूँ अब, और बैंगन काटा हुआ है। अब इसको देख सकते हैं, सुबह काटा था, सुबह काट दिया था बनाने के लिए। तब तक उमेश भाई बोले कि खाना हमारे पास खा लो, तो इसलिए मैं खाना बनाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया था। लेकिन अब तो बनाना पड़ेगा, उमेश भाई दोनों टाइम थोड़ी खिलाएंगे, तो अब बनाऊंगा। 2 आलू काटा हूँ, बस 2 आलू काफ़ी है, 2 आलू भी ज़्यादा ही हो जाएगा, क्योंकि इतना कहाँ खाएंगे हम। 2 ही आलू काटा हूँ बस, देख सकते कटा गया आलू और बैंगन, देखता हूँ कैसा बनता है, बनाता हूँ आज। लेकिन सोच रहा हूँ आज दिन शुक्रवार है, क्यों ना दाढ़ी बना लिया जाए, क्योंकि ये पका पका अच्छा नहीं लगता है। तो आज थोड़ा बना लेता हूँ। बन गया, लेकिन ये तो यार बड़ा छोटा लग रहा है मुझ, ये बड़ा है। थोड़ा सा कर लेता हूँ बराबर, ये ठीक है। ये मेरा मुझ का डिजाइन है, ऐसा है, चलो बेकार है, क्या करें, चलो। तो सब्जी कटा भी गया और धोआ भी गया, धो दिया हूँ। अब कढ़ाई में प्याज मिर्चाई ये सब डाल दिया हूँ, अब इसमें और टमाटर मसाला उसाला सब एक ही साथ डाल देते हैं, देखते हैं कैसा बनता है। डाल दिया सब सब्जी में, मतलब कढ़ाई में ये। अब चावल का जुगाड़ करते हैं। यार सब्जी देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, ये कैसा बनेगा पता नहीं, तो देखने में लग रहा है मस्त, देखते हैं। अब खाना तैयार है, तैयार है लगभग, सब्जी भी तैयार हो गया है और चावल भी, बस एक मिनट में हो जाए। तो दोस्तों, खाना तैयार हो गया है, आप देख सकते हैं चावल भी बन गया है, और चावल ज़्यादा है, इतना चावल खा नहीं पाऊँगा, बन गया है, पता नहीं कैसा लगेगा, देखते हैं। अब खाना हो गया पूरा तैयार, लेकिन अभी खाएंगे नहीं, थोड़ा नहा लेते हैं, और शाम को 6 बजने वाला, 6 बजने में 5 मिनट कम है, तो नहा लेते हैं, थोड़ा दिया बार देते हैं, थोड़ा पूजा कर लेते हैं, उसके बाद खाएंगे। तो दोस्तों, नहा लिया और पूजा भी कर लिया, और अब बस दोस्तों, ये तुलसी जी को देखो, जो पिछली वीडियो में दिखाया था, अब हरा भरा हो गए हैं, उसमें सूख रहे थे। तो दोस्तों, खाना पीना पूरा तैयार हो गया है, और शाम का समय पे खाना नहीं खाना चाहिए, सुनते हैं वैसे, लेकिन मैं तो खाऊंगा,
क्योंकि भैया मुझे लगा है बहुत तेज़ भूख, तो मैं अब जा रहा हूँ खाने, देखता हूँ कैसा लगता है, आपको बता रहा हूँ। मस्त बना है, खाने में मस्त लग रहा है यार, मुझे भरोसा नहीं था इतना बढ़िया बनेगा, लेकिन बना है ज़बरदस्त। और अब मैं खा रहा हूँ भरपेट खाना, आप तो है दूर, नहीं तो आप भी खाते, एकदम मस्त खिलाने लायक था, लेकिन बन गया है बढ़िया। चलिए तो दोस्तों, अब करते हैं वीडियो को समाप्त। आप कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो कर लीजिए लाइक। अब वीडियो करते हैं बंद।